आध्यात्मिकता में तीन बातें जिज्ञासु को ध्यान में रखने वाली है। पहला, सिमरन। उठते बैठते खाते पीते मालिक के द्वारा दिए नाम का सिमरन करना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान। जब समय मिले एकांत में गुरु के स्वरूप का ध्यान दोनों आंखों के बीच करना चाहिए। तीसरी बात, भजन। मालिक के द्वारा जिस धनु से जोड़ा है उस धनु को एकांत में जरूर सुनना चाहिए। सत्संग जी, जीवन में गुरु का महत्व और आवश्यकता आपको पता होगा। चलिए और आपको बता देते हैं। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें कौन सही है? सत्संग जी, गुरु जी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। पहला, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। दूसरी बात, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। उन्होंने तीसरी बात बताई, जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वो ही जीव का और जीवन का एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा लेते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ साहस हो जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मात्र जीवन ही एक ऐसा साहस है जिसे अपनी खुद की मर्जी से चलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए साहस की जरूरत है। एक परमात्मा जो हमें सीख देते हैं, एक गुरु जो हमारे बताए गए मार्ग पर चलने को सिखाते हैं, क्योंकि वो मार्ग हमारे लिए बहुत कठिन होता है, वो रास्ता बताते हैं कि तुम वो रास्ते पर चलोगे तो तुम अच्छे होगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु ही हमारा सब कुछ है। गुरु के बताए गए मार्ग पर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को सब कुछ सफल अनुभव होता है। तो सत्संग जी, आपको ये छोटी सी साखी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी से नीचे के रेड बटन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा साखियाँ हम लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधा।